दिस चैप्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में सीखेंगे, लॉजिक गेट डायग्राम बनाना देखेंगे, और कुछ कंप्यूटर सर्किट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से गेट्स आते हैं? प्राइमरी गेट्स हैं, दे आर एंड और एंड नॉट। प्राइमरी गेट्स आर एंड और एंड नॉट। ठीक है, उसके बाद है एक्सक्लूसिव गेट्स एंड देन यूनिवर्सल गेट्स। और सो वी विल स्टार्ट विद द प्राइमरी गेट्स। सो प्राइमरी गेट्स में सबसे पहला कौन सा है? प्राइमरी गेट में द फर्स्ट वन इज एंड गेट। ओके, इट टेक्स टू और मोर इनपुट्स एंड गिव्स आउटपुट एज वन। ठीक है, आउटपुट वन कब आता है? When all inputs when are both one. Input are one. All right. So it is also called what? It is also called logical multiplication. Its symbol is dot. ठीक है, तो हमें अगर कहीं कहना है A and B, so we can say it as A dot B. ठीक है, and its logic gate is like this: A and B are two inputs. So, its logic gate is like this, A dot B. Fine? OR gate kya hota hai? Again, same as the previous one, it takes two or more inputs. And gives output. As one when any one of the input is one. All right, it is also called logical addition. सिंबल इसका क्या है? प्लस है। ऑल राइट, एंड लॉजिक गेट इज लाइक दिस, ए एंड बी आर टू इनपुट, तो दिस इज द लॉजिक गेट। ए एंड बी आर द इनपुट, इट इज ए और बी। ऑल राइट, नॉट, इट इज ऑल्सो नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। इट टेक्स हाउ मेनी इनपुट्स? Only one input. And gives output as one when input is
जीरो। सिंबल में क्या है, जैसे कि आपको लिखना है नॉट एक्स, ठीक है, या नॉट ए, तो आप कैसे लिखोगे इसको, लिखोगे ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, या ऐसे। फिर इसका लॉजिक गेट डायग्राम कैसे होता है, एक इनपुट देना है, ट्राइंगल और छोटा सर्किल, ए इनपुट हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट आउटपुट हो गया। ऑल राइट, अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ए बी आर इनपुट, सो ए डॉट बी, ए प्लस बी, सो दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, एंड द आउटपुट इज वन इन एंड व्हेन ए एंड बी बोथ आर वन, एंड फॉर ए प्लस बी क्या होगा, व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज वन द रिजल्ट इज वन। क्लियर हो गया बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स। एक्सक्लूसिव गेट्स में कौन कौन से गेट आते हैं, पहला आता है एक्सोर, दूसरा एक्सनोर। ऑल राइट, सो एक्सोर गेट टेक्स टू और मोर इनपुट्स एंड गिव्स आउटपुट एज वन व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर वन, दैट्स राइट, ठीक है। सिंबल इज प्लस साइन विद इन द सर्किल इज इट्स सिंबल, दिस इज द लॉजिक गेट डायग्राम फॉर एक्सक्लूसिव ऑर। ऑर के आगे आपने एक ऐसे आर्क बना दिया तो एक्सक्लूसिव ऑर का बन गया, तो आउटपुट इज ए एक्सोर बी। ऑल राइट, द ट्रुथ टेबल इज लाइक दिस, ए बी आर द इनपुट, सो ए एक्सोर बी क्या होगा, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन। So, यहां पे इवन नंबर ऑफ है, ये इवन नंबर ऑफ इनपुट्स वन है, यहां ऑड नंबर ऑफ इनपुट वन है, यहां ऑड नंबर ऑफ इनपुट वन है, यहां इवन नंबर ऑफ इनपुट वन है, तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो वन वन जीरो। ऑल राइट, नाउ इफ यू हैव टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर एक्सक्लूसिव ऑर यूजिंग थ्री वेरिएबल, एक्स वाई जेड आर इनपुट, एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड। तो देखिए यहां पे पहला कॉम्बिनेशन क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो, इसमें कितने वंस हैं, एक भी वन नहीं है, रिजल्ट आएगा जीरो। दूसरे कॉम्बिनेशन में एक बार वन है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, रिजल्ट आएगा वन। इसलिए तीसरे कॉम्बिनेशन में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, एक बार वन आया, रिजल्ट आ गया वन, ठीक है। तीसरे कॉम्बिनेशन, उसके नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में देखें तो क्या, कितनी बार वन आया है, टू टाइम्स, रिजल्ट आ गया जीरो, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये एक बार आया ऑड, दो बार आया इवन, दो बार आया इवन, एक बार आया ऑड, ठीक। तो एक्सक्लूसिव ऑर का ट्रुथ टेबल फॉर थ्री वेरिएबल। ऑल राइट, एक्स नॉर एक्सक्लूसिव नॉर में क्या होगा, ठीक है, इट टेक्स टू और मोर इनपुट्स, एंड गिव्स आउटपुट एज वन व्हेन इवन नंबर ऑफ इनपुट्स आर वन। ऑल राइट, सिंबल क्या है, व्हाट इज द सिंबल, डॉट विद इन द सर्किल। ऑल राइट, एंड द गेट इज दिस, इसमें
ए एग्जॉर बी, ठीक है, ये गेट होता है इसका। सो वी हैव डिस्कस दिस टिल नाउ, एन वेरिएबल एक्सक्लूसिव और प्रोड्यूसेस द आउटपुट एज वन व्हेन इनपुट कॉम्बिनेशंस हैव ऑड नंबर ऑफ वंस इन द इनपुट, एंड एन वेरिएबल एक्स नॉर ऑपरेशन प्रोड्यूसेस द आउटपुट एज वन व्हेन इनपुट कॉम्बिनेशन हैव इवन नंबर ऑफ इनपुट्स एज वन, ठीक है। नाउ हेयर वी हैव एक्स ए एक्स नॉर बी का ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। सो हाउ दिस एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन, हाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन, इफ यू सी द ट्रुथ टेबल। सो हेयर इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सक्लूसिव और। ट्रुथ टेबल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी गेट का, किसी भी का भी हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो हमें इसका ट्रुथ टेबल से अगर एसओपी एक्सप्रेशन निकालना है या पीयूएस निकालना है, तो फिलहाल हम एसओपी एक्सप्रेशन निकाल के देखते हैं। तो हम एसओपी एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं कि जहां आउटपुट वन आ रहा है उसके लिए इनपुट कॉम्बिनेशंस देखते हैं। तो ये जो आउटपुट ये वन आ रहा है, इनके इनपुट कॉम्बिनेशंस क्या है, ये ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1। तो मिन टर्म के फॉर्म में ये ए कॉम्प्लीमेंट बी को रिप्रेजेंट करेगा, और ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 का मतलब ये ए बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। और अगर हम एक्स नॉर की बात करें तो यहां आउटपुट वन आ रहा है पहला, जिसके लिए इनपुट कॉम्बिनेशन ए और बी की वैल्यू 0 0 है। तो यह हो गया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट मिन टर्म के फॉर्म में। और यहां वन जो आ रहा है, यहां पे इनपुट्स 1 1 है, तो आया ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी। तो आपका ये एक्सप्रेशन ये आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। और अगर हम पीयूएस के फॉर्म में निकालना चाहें, पीयूएस के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, जीरोस को देखते हैं। तो अगर ये 0 है तो इनपुट कॉम्बिनेशन की वैल्यू ए बी 0 है और बी भी 0 है, तो हम 0 के में कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाते हैं। अगर हम पीयूएस देखना चाहते हैं तो 0 पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाते हैं। और यहां 0 के रिस्पेक्ट में 1 1 आ रहा है, तो ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका एक्सओआर का एसओपी एक्सप्रेशन तो लिखा था, पीयूएस एक्सप्रेशन क्या होगा, ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका भी निकाल लेते हैं एक्सनॉर का। 0 के रिस्पेक्ट में ए है 0 1, ए की वैल्यू 0 का मतलब ए और 1 का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा 0 दे रखा है, उसके रिस्पेक्ट में ए की वैल्यू 1 है ए कॉम्प्लीमेंट, और बी की वैल्यू 0 है तो बी। तो पीयूएस एक्सप्रेशन फॉर एक्स नॉर विल बी ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ऑल राइट, दिस एक्स ऑर एंड एक्स नॉर फंक्शंस आर कम्युलेटिव एंड एसोसिएटिव, दिस रिलेशन इज देयर बिटवीन देम एंड वी कैन यू कैन प्रूव इट विद हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल ऑल्सो। एंड देन ऑल्सो आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि दे आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इच अदर। सो हेयर इट इज शोन कि ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो द रिजल्ट विल बी इक्वल टू ए एक्सनॉर। ये ए एक्सनॉर बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो द रिजल्ट विल बी इक्वल टू एक्सोर, ठीक है।